जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज एक फिर एक नए इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार अब कहीं नहीं, इस बार जरूर बिहार पुलिस पार होगा। आप लोग जरूर वर्दी पहनिएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी बच्चे प्लीज पढ़े और आप लोग तरक्की करें, आप लोग भी वर्दी ले। जी हाँ दोस्तों, आइए आते हैं नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, संविधान के स्रोत। इससे एक क्वेश्चन भाई मेरे पक्का रहेगा, आप लिख लीजिए। अगर मेरे वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं, प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उस बच्चे को जिसके पास नहीं पहुंच पाता है। प्लीज शेयर करते रहिए। आज आते हैं नए चैप्टर के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के स्रोत और पढ़ेंगे कुछ अनुसूची। देखिए दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन आपको रहता ही रहता है। आप कहीं भी, या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ग्रुप डी, रेलवे, ये सब को क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको इससे मिलेगा। चलिए दोस्त देखते हैं संविधान के स्रोत में बारीकी से पढ़ेंगे कौन कौन देश से क्या क्या लिया गया। आप सभी जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भाई साहब लागू हो गया। अब लागू होने से पहले हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ कितना साल में बना, तो दो वर्ष 11 महीना और 18 दिन में मेरा संविधान क्या हुआ, बन के तैयार हुआ। और बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे मतलब कि कुछ कानून है जो कुछ देशों से लिए गए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कौन कौन सा चीज कौन कौन देश से लिया गया है। एक क्वेश्चन आपको यहां से कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि आज देखते हैं क्या है। तो पहला क्या है, रूस। क्या है? रूस से। छोटा चलते हैं। रूस से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, मौलिक कर्तव्य किससे लिया जाता है, कौन से देश से, तो रूस से। ठीक है, आगे आते हैं। प्रस्तावना में आर्थिक तथा सामाजिक न्याय, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावना जो शब्द है, देखिए प्रस्तावना आपको अमेरिका से लिए गए हैं, प्रस्तावना के शब्द पूछेगा तो वो अमेरिका से हो जाएगा। ठीक है, और क्या है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता पूछेगा तो फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा प्रस्तावना में आर्थिक सामाजिक न्याय पूछेगा तो रूस हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, जापान को देखते हैं। भाई साहब चलते हैं जापान की तरफ। अभी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है हमारे भारत देश में, जिसके अध्यक्ष करता है भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनके क्या है, अध्यक्ष करता है, और G20 का शिखर सम्मेलन हमारे भारत देश में ही हो रहा है। तो जितने सारे G20 के सदस्य आज हमारे भारत देश में आ चुके हैं, गर्व की बात है कि भाई हमारा देश बहुत बड़ा समूह G20 का क्या कर रहा है, आयोजन कर रहा है। तो जापान के पास चलते हैं। जापान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्वेश्चन पूछेगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया, तो याद रखिएगा जापान से लिया गया। अगला आता है फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया, तो याद रखिएगा गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। सबसे ज्यादा पूछता है कि ये समता और बंधुत्व शब्द जो है वो कौन सा देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका। ठीक है, सभी आदमी जानते हैं, क्रिकेट खेलते होंगे तो साउथ अफ्रीका का टीम को देख लीजिए, जानते ही होंगे। तो यही साउथ अफ्रीका देश से क्या लिया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा मेरे दोस्त कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है, तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, फिर क्या है, क्या लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, दो चीज लिया गया। ठीक है, जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल, एक चीज जर्मनी से
आपातकाल। ठीक है, आयरलैंड से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन नीति निर्देशक तत्व। जी हाँ दोस्तों, यही नीति निर्देशक तत्व। आइए देखिए, ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आ ना नोट करबा तो कहां जाएगा भाई। हम कहते नहीं कि नोट कर ला शुरू से, जो आदमी नहीं पढ़े हैं वो पढ़िए, अभी समय है, 10 दिन रिवीजन मारिए, एकदम तगड़ा रिवीजन मारिए, सूत उठ के किताब देखिए, जितना किताब देखना है, रिवीजन जितना मारना है। तो ये नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अब है आयरलैंड से क्या और क्या लिया गया है, तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है याद रखिएगा, VBI सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला है। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। फिर है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। कंफ्यूजन नहीं होइएगा, कंफ्यूज बच्चा यही होता है कि राज्य, अब कहेंगे गुरुजी राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जी हाँ, अगर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अगर पूछेगा तो वो साउथ अफ्रीका से, और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन अगर पूछेगा तो वो आयरलैंड से। कंफर्म, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, तो सबसे ज्यादा संवर्ती सूची, जैसा कि आप जानते हैं संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, तीन प्रकार की सूची। ठीक है, तो ये संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जी हाँ, वही ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग, वही ऑस्ट्रेलिया टीम, क्रिकेट टीम याद आया। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वही वही 2011 में, 11 से पहले, 7 में से पहले, 3 में जो सचिन तेंदुलकर बैटिंग किया, फाइनल में पहुंचा था, हार गया था ऑस्ट्रेलिया से, वही ऑस्ट्रेलिया कप्तान रिकी पोंटिंग, वही ऑस्ट्रेलिया देश, वही ऑस्ट्रेलिया से लिया गया संवर्ती सूची। ठीक है, अब आते हैं क्या है और उसमें, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से। फिर क्या है, संयुक्त बैठक। ये बार बार पूछा गया है कि संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होता है ना भारत में जी, निम्न सदन और उच्च सदन, तो वो दोनों सदन का बैठक एक साथ कराया जाएगा। कौन से देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, याद रखिएगा, संयुक्त बैठक दोनों सदनों का कौन से देश, ऑस्ट्रेलिया से। इस एकदम इंपॉर्टेंट भाई, एकदम रामबाण टॉपिक है, एकदम रामबाण। अब आते हैं कनाडा। कनाडा में क्या है, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्ति का जितना सारा शक्ति है वो केंद्र के पास है, केंद्र शक्ति है, केंद्र के पास शक्ति है, नियम बना सकता है, नियम तोड़ सकता है, नियम का कानून जो भी कर सकता है, सब केंद्र के पास है। अवशिष्ट शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास है। अगला क्या है, कनाडा में राज्यपाल, जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ये कनाडा देश से उठा के लाया गया। ठीक है, राज्यपालों की क्या नियुक्तियां उसमें है। फिर उसी में क्या है, संघ राज्यों की शक्ति, संघ एवं राज्यों के बीच के शक्तियों का बंटवारा कनाडा से लाया गया। क्वेश्चन गुरुजी क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि संघ और राज्यों के बीच का शक्ति का बंटवारा, ये नियम जो कानून है कौन से देश से उठाया गया, तो सीधा सीधा सिंपल से याद रखिएगा, कनाडा। कहां, कनाडा। ठीक है, कनाडा, नाडा राज्य, संघ राज्य के बीच का शक्ति। अगला है उसी में, सुप्रीम कोर्ट परामर्शी न्यायालय का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया, परामर्श के रूप में देगा। ठीक है, अगला आते हैं ब्रिटेन देश। ब्रिटेन देश में क्या है भाई, तो ब्रिटेन में है संसदीय शासन व्यवस्था, संसद ही है शासन, संसद ही शासन है। सिंपल से बात समझिए, हमारा संसद ही शासन व्यवस्था कायम रखेगा। ठीक है, अगला आते हैं एकल नागरिकता। सबसे VBI इंपॉर्टेंट, VBI एकल नागरिकता, मतलब एक ही नागरिकता हमारे देश में है। आप चाहिएगा कि हम भारत में हैं, भारत के नागरिक है, हम अमेरिका चले जाए, वहां नागरिकता मिल गया, तो भाई साहब ऑटोमेटिक आप भारत की नागरिकता आपको छोड़नी पड़ जाएगी। तो एकल नागरिकता का भारत देश में प्रावधान है, आप सिर्फ भारत के ही नागरिक है, जैसे ही दूसरे देश के नागरिकता लीजिएगा, भारत में टाटा बाय बाय फिश,
ओके बाय बाय टाटा हो जाएगा, ठीक है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से? ब्रिटेन से लिया गया। आगे आते हैं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया कहां से? ब्रिटेन से। आगे आते हैं विधि का शासन, मतलब कानून का ही शासन होगा, यह ब्रिटेन से लिया गया कानून है, संविधान के स्रोत में ही कहता है, ठीक है। अब आते हैं परमाधिकार लेख एवं द्विसदनवाद। क्वेश्चन पूछेगा गुरुजी कि परमाधिकार लेख कौन से देश से लिया गया, तो याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन से लिया गया। द्विसदनवाद, द्विसदन का वाद मतलब क्या समझे? दुई गो सदन, एकम दुई, कौन सदन? तो लोकसभा और राज्यसभा, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन हो गया राज्यसभा और निम्न सदन हो गया लोकसभा, ठीक है। अब आते हैं अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। भाई साहब अमेरिका आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रस्तावना के शब्द, मतलब क्या? हम भारत के लोग, यह प्रस्तावना के शब्द है। जब आप संविधान खोलिएगा तो उसी के फ्रंट पृष्ठ पर मिलेगा हम भारत के लोग, ठीक है। तो ये प्रस्तावना के शब्द जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं, याद रखिएगा। कान खोल के सुन ल बाबू ना, एकदम पूरा दम बैठा ल कान में, एकदम दिमाग में बैठा ल कि प्रस्तावना के शब्द अमेरिका से। आगे आते हैं मौलिक अधिकार। अब यही कंफ्यूज होगा गुरुजी, गुरुजी मेरे बाबू यही कंफ्यूज होगा कि मौलिक अधिकार गुरुजी कहे हैं और मौलिक कर्तव्य कहे हैं। तो मौलिक अधिकार अमेरिका, अ से अधिकार, अ से अमेरिका, आ क से कर्तव्य, क से रूस, रूस। इतना याद रखिएगा अधिकार अ से अधिकार तो अ से अमेरिका पकड़ा जाएगा, तो कर्तव्य बचा तो कर्तव्य रूस, ठीक है। तो मौलिक अधिकार रू अमेरिका में। फिर आते हैं न्यायिक पूर्वालोकन, पुनर्वालोकन, न्यायिक पुनर्वालोकन। फिर महाभियोग, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की चर्चा अमेरिका से की गई थी और अमेरिका से उठा के लाया गया महाभियोग, ठीक है। अब सीधा सिंपल सी बात, हमको डीपली नहीं पढ़ना है, हमको मास्टर नहीं बनना है, हमको वही पढ़ना है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र है भाई, उस पर कोई अरग मतलब बयानबाजी नहीं चलेगा। हमारा भारत का स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है, ठीक है। तो न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करेगी, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का। आगे आते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग द्वारा, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको भी हटाने की प्रक्रिया कहां से लाने गई है? अमेरिका से। आगे आते हैं जनहित याचिका। हम हूं कंफ्यूज हो गए थे शुरू शुरू में, बार बार पूछा है VBI जनहित याचिका। गुरुजी ध्यान रखिए जनहित याचिका कहां से? अमेरिका से, ठीक है। अब है उपराष्ट्रपति का पद, जी हां उपराष्ट्रपति का पद है, ये भी है अमेरिका से, ठीक है। अब ये मेरा संविधान स्रोत खत्म हुआ। अब आते हैं अनुसूची के बारे में, याद रखिएगा शॉर्टकट सिंपल से, ज्यादा तामझाम नहीं, एकदम इजी वे बात याद करेंगे, इजी वे लिख लेंगे। पहला है अनुसूची एक में कहता है संघ एवं राज्यों का उल्लेख, एक में याद रखिएगा संघ एवं राज्यों का उल्लेख है, हम कुछ नहीं जानते हैं, सिंपल सी बात, संघ और राज्य का उल्लेख। दूसरा में पैसा, वेतन, वेतन, वेतन। अनुसूची दो में क्या? वेतन। अनुसूची दो में क्या? वेतन। तीसरा में शपथ, हम शपथ लेते हैं, जितना सारा वेतन में सब सब का वेतन, किसका? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सुप्रीम हाई कोर्ट के न्यायाधीश जितने सारे हैं सबका वेतन, ठीक है। और शपथ में सभी आदमी जो शपथ लेते हैं, जितने भी नेतागण है, जितने भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जितना भी है सबका शपथ है, याद रखिएगा सिंपल सी बात, शपथ। चौथा में राज्यसभा का सीट, ठीक है, राज्यसभा का सीट। चौथा में राज्यसभा सीट, हम तामझाम नहीं जानते, सिंपल से आते हैं, ठीक है। पांचवा है SC ST के प्रशासन की चर्चा की गई है। क्वेश्चन पूछेगा गुरुजी कि SC ST के प्रशासन की चर्चा अनुसूची पांच में की गई है और अनुसूची छह में क्या है कि असम
मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चार राज्य जो है, असम, मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम, ये चार राज्यों में एसटी शेड्यूल ट्राइब क्षेत्रों का प्रशासन की चर्चा अनुसूचित 6 में की गई है। याद रखिएगा कौन कौन राज्य है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। 7वां में आते हैं गुरुजी सूची, याद रखिएगा अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय, 100। संघ सूची में कितने, 100, पहले 97 था अब 100 हो गया। राज्य सूची में कितने, 61, पहले 66 था अब 61 हो गया। और संवर्ती सूची में कितने, 52, पहले 47 था 52 हो गया। तो कभी कभी गुरुजी पूछता है कि संघ सूची में कितने विषय होते हैं, तो 100। राज्य सूची में कितने होते हैं गुरुजी, तो 61। और संवर्ती सूची में कितने होते हैं गुरुजी, तो 52। अगला आते हैं अनुसूची 8 में भाषा, 22 भाषा अनुसूची 8 में। ताली बजा के भाई मेरे, याद हो गया 8 अनुसूची भाषा, 8 अनुसूची भाषा, ठीक है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, ये पहला संविधान संशोधन 1951 को किया गया और 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। पहले कितने थे, 8 थे, आगे 9वां अनुसूची भूमि सुधार कानून लाया पहला संविधान संशोधन करके, कब, 1951 में। तो सिंपल सा याद रखिएगा कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, भूमि सुधार कानून लाया जो कि अनुसूची 9 के तहत, 9 के तहत जोड़ा गया। अगला आते हैं अनुसूची में दल बदल, कूद के नेताजी का इधर जाना, कूद के नेताजी को इधर जाना, तो यही दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन 18 मार्च 1985 को दल बदल कानून बनाया गया और अनुसूची 10 में जोड़ा गया, ठीक है। आते हैं 11 में आते हैं पंचायत, जो 1993 में 73वें संविधान संशोधन, और 12वां में आते हैं नगर पालिका, 74वें संविधान संशोधन, 1992 में लागू, 92 में कानून बना, 93 में लागू हुआ, 12 में नगर पालिका, 92 में कानून बना और 1 जून 1993 में लागू हुआ। ये मेरा अनुसूची आज खत्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग प्लीज इसको नोट करते रहिएगा। अगर आपको ऐसा लगेगा कि कहीं कोई दिक्कत है, मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नए हो तो मेरे बेल आइकन में वीडियो पर है जाके देख लीजिए। मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिएगा, वो दिन दूर नहीं है जो वर्दी चढ़ेगा आपके पास। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।